हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी कि सी को इस्तेमाल करके अपनी आउटपुट में अगर हमने कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट डिस्प्ले करना हो तो उसको फॉर्मेट किस तरह करते हैं, यानी कि हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि जो भी हमने वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट की प्रिंट करनी है या डिस्प्ले करनी है वो किस अंदाज में डिस्प्ले की जाए। इसमें हम लोग दो चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ बताना ज़रूरी है वो ये है कि टोटल फील्ड विड्थ कितनी होगी। जिस तरह कि आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा, टोटल फील्ड विड्थ से मुराद होती है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करदा वैल्यू के लिए मखसूस कर दिया जाए। फिर दूसरी चीज़ हमने बतानी होती है कि डिसाइड डेसिमल प्लेसेस कितनी है, यानी कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए। अब अगर इन दोनों को ज़रा डिटेल में डिस्कस करें तो टोटल फील्ड विड्थ, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर हमारे पास तमाम डिजिट्स आ जाते हैं, तमाम डेसिमल पॉइंट भी आ जाएगा और साइन जो होगा वो भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक नंबर डिस्प्ले करना था -3.146। तो अब इसके अंदर हमारे पास टोटल फील्ड विड्थ जो होगी वो कितनी होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन के लिए हमारे पास 1, 2, फिर डेसिमल पॉइंट के लिए 3, 4, 5 एंड 6, यानी 6 करेक्टर्स की हमारे पास जो है टोटल फील्ड विड्थ होगी, यानी 6 इज इक्वल्स टू एम होगा। तो हमारे पास एम जो है यानी कि टोटल फील्ड विड्थ, वो उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, साइन भी आ जाता है, पॉइंट भी आ जाता है, कोई ज़ीरो है तो वो भी आ जाएगा। इसी तरह अब अगली चीज़ जो डिजायर्ड प्लेसेस, सॉरी स्टूडेंट्स, डिजायर्ड डेसिमल प्लेसेस हैं, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर वो तमाम डिजिट्स आ जाते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस नंबर को हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास डेसिमल प्लेसेस जो हैं सिर्फ 2 आए, तो मेरे पास यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। और वहाँ उस केस में हमारे पास नंबर क्या हमारे पास डिस्प्ले होगा, नंबर हमारे पास डिस्प्ले होगा -3.14। ये -3.146 हमारे पास इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स को प्रिंट करना था, उस चीज़ को हमने यहाँ पर बताया है, तो इसलिए हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ अगले 2 डिजिट्स प्रिंट होंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होगा, वो इंटरेस्टिंग काम ये होगा कि हमारे पास जो भी नंबर होगा उसको ऑटोमेटिकली राउंड भी कर दिया जाता है, यानी दरअसल हमारे पास 3.14 नहीं, राउंड करके 3.15 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि 4 के आगे वाला डिजिट जो है वो 6 है, 5 से बड़ा है, तो पिछले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, उसको राउंड कर देंगे और 3.1 -3.15 हमारे पास राउंड होकर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास ये राउंडिंग का काम भी हमारा कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली कर देता है। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी है इसको प्रोग्रामिंग में हम लोग किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका सिंटेक्स क्या होता है। जिस तरह कि आपको याद होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास फ्लोट को प्रिंट करने के लिए होता है %f, यानी जब भी हमने कोई भी फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो हम लोग %f का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने उसको उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है कि उसकी विड्थ कितनी हो और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं % और f एज इट इज़ आ गए और उनके दरमियान में टोटल फील्ड विड्थ यानी कि m और नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट यानी कि n, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं। अब इस चीज़ को हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे और इनको हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आइए अपनी प्रोग्रामिंग विंडोज़ में जाते हैं और सबसे पहले इस चीज़ को प्रिंट करवा के देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक फ्लोट बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं x और उसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। उसकी वैल्यू हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर -25.41। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है तो हम लोग प्रिंट एफ की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर अब हम लोग परसेंटेज हमने लगाया और एफ लगाया। अब इसके दरमियान में हमने क्या करना है, एम और एन की वैल्यू बतानी है। तो अगर देखा जाए, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी चीज़ मेरे पास प्रिंट हो जाए, तो एम की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो एम की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6। फिर डॉट और n की वैल्यू, n की वैल्यू डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, तो 6.2।
यहाँ पर मैं कोमा के बाद एक्स लिखूंगा, इस प्रोग्राम को जाके एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन करूंगा, तो आप लोग सॉरी स्टूडेंट्स हमारे पास एरर आ गया, यहाँ पर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। अब एग्जीक्यूट में जाके दोबारा कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप लोग देख सकेंगे कि आउटपुट में ये पूरी चीज़ जो है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, -25.41 प्रिंट हो गई। लेकिन अब अगर हम इस आउटपुट विंडो को क्लोज करें और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को थोड़ा सा चेंज करें, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग कहते हैं कि ये जो टोटल जो विड्थ है इसको हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 कर देते हैं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को अभी के लिए 2 ही रहने देते हैं। दोबारा कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाएंगी आउटपुट में, ये आप लोग देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए, क्योंकि 6 डिजिट्स यहाँ तक थे, फिर 7th, 8th, 9th और 10th डिजिट जो है यहाँ पर स्पेस के तौर पर एम्प्टी छोड़ दिए गए। इस चीज़ को आप हमारी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर यानी से पिछली वीडियो में डिटेल में भी समझ सकते हैं। अब इसी की तरह अगर हम लोग ये यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को 2 के बजाय 1 कर दें और यहाँ पर दोबारा इसको हम लोग फॉर एग्जांपल 10 ही रहने दें, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि -25.4 प्रिंट होगा और लेफ्ट साइड पे काफ़ी स्पेसेस होंगी, जिस तरह के आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 लिखा था यानी n की वैल्यू 1 थी, तो अगला डिजिट जो था 4 के बाद वो प्रिंट नहीं हुआ। अब आइए इसी तरह और एग्जांपल्स को समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर था 3.1416, इसकी हम लोग अगर इस्तेमाल करें फॉर्मेट स्पेसिफायर 5.2 तो आइए देखते हैं क्या होता है। हम लोग सबसे पहले इस आउटपुट विंडो को क्लोज करते हैं, अपने प्रोग्राम में जाते हैं और फ्लोट की वैल्यू हमने रखनी है 3.1416। क्या वैल्यू हम लोग रखेंगे? 3.1416, और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग डाल देते हैं 5.2। तो 5.2 जब इसको हम लोग डालेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या होता है 5.2। अब देखें सबसे पहले तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी हो गई 5, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, और उसके बाद डेसिमल के बाद भी हमने कहा कि सिर्फ 2 डिजिट्स आए, तो 1 और 4, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? 3.14, और लेफ्ट साइड पे एक स्पेस भी होगी, क्यों? क्योंकि ये 4 डिजिट्स बनते हैं, 3 हमारे पास एक डिजिट, पॉइंट दूसरा, 1 तीसरा एंड 4 चौथा डिजिट, तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं 5, तो एक स्पेस जो होगी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, उसके बाद 3.14 प्रिंट हो जाएगा। आइए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन हमने किया, आउटपुट का इंतजार करते हैं। आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे एक स्पेस है और 3.14 प्रिंट हो चुका है। तो ये हमने एक और एग्जांपल, अब लास्ट में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्स है ये दरअसल वो स्पेस है जो अभी हमने आउटपुट में देखी थी। इस टेबल में जहाँ जहाँ पर एक्स है वो दरअसल स्पेसेस हैं। इसी तरह ये बाकी दीगर और एग्जाम्पल्स को आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को देखते हैं, -0.007 एंड 8.3, यानी टोटल हमारे पास लेंथ कितनी है 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो टोटल डिजिट्स हो गए, 7, 8 दो हमारे पास स्पेसेस आ जाएंगी, ये जिनको आप एक्स की नज़र से देख सकते हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास जो एक्सेस हैं ये वो स्पेसेस हैं, क्योंकि टोटल डिजिट्स यहाँ पर 8 हैं और लेंथ हमने 8 बताई हुई है, सॉरी स्टूडेंट्स टोटल डिजिट्स 6 हैं और लेंथ 8 बताई हुई है, तो दो हमारे पास स्पेसेस आ गई। फिर 0.3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, तो 007 एज इट इज़ हमारे पास आ गया, प्रिंट हो गया। तो हमने ये एक और एग्जांपल देखी। अब अगर यहाँ पर हम लोग एक लास्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए, इसी नंबर को प्रिंट करवाएं और टोटल जो लेंथ है वो हमने बताई ही नहीं है, यानी कि हमने सिंपल लिख दिया 0.3, तो इस बात का ये मतलब है कि बस डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ जाए और उससे पहले हमारे पास 0 जो हो वो आ जाए, यानी यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसकी लेंथ हम लोग टोटल जितनी भी होगी वो हमारे पास आ जाएगी, यानी अगर हम लोग यहाँ पे कोई बड़ा नंबर भी प्रिंट करवाते और उसकी टोटल लेंथ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10 होती तो वो भी प्रिंट हो जाता, 5 होती वो भी प्रिंट हो जाता। इस चीज़ को आइए हम लोग चेक भी करते हैं। हम लोग अपने प्रोग्राम में जाते हैं और इसी नंबर को हम लोग प्रिंट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर में 0.2 के साथ, तो हमारे पास 3.14 ही प्रिंट होना चाहिए और स्पेस नहीं आएगी इस दफ़ा, क्योंकि एग्जैक्टली जितने नंबर हमने प्रिंट कराने अब उतने ही
नंबर हमारे पास प्रिंट होंगे, ये आप लोग देख सकते हैं 3.14। इसी तरह आप देखें यहाँ पर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज भी कर दूं और यही चीज़ को रन करूं तो मेरे पास 3123.14 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल विड्थ को स्पेसिफाई ही नहीं किया। तो मेरे पास टोटल विड्थ जितनी भी बनती है वो मेरा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, बस पॉइंट के बाद जो नंबर है वो हमने स्पेसिफाई किए हैं तो उसको वो चेक करेगा, तो वो 14 पे आके रुक जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम लोग किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं और उनका फॉर्मेट किस तरह स्पेसिफाई करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।